हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो हम लोगों ने कल की क्लास में स्टार्ट किया था डायमेंशन, और मैंने आपको डायमेंशन के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास में होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उन 7 के 7 क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस मैंने आप लोगों को बताई, और फिज़िक्स में यूज़ होने वाली कुछ बेसिक डायमेंशंस बेटा मैंने आप लोगों को बताई कि भाई ये कुछ बेसिक डायमेंशंस है जिनका हम लोग फिज़िक्स के अंदर यूज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ और बेसिक डायमेंशंस बताऊंगा, कुछ और बेसिक डायमेंशंस की हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बेटा अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और डायमेंशन के एप्लीकेशन जानेंगे कि डायमेंशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी की क्या डायमेंशन रहने वाली है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा डायमेंशन नंबर 26। शायद 25 डायमेंशन मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, अब डायमेंशन नंबर 26 की हम लोग बात करेंगे। देखिए, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है बेटा, मैं फिर कहूँगा कि फॉर्मूले पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, आपको फोकस करना है इस बात पर कि हम डायमेंशन को निकाल कैसे रहे हैं। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी आप लोगों को दिख रही है जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया है, इसका नाम होता है बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है बेटा, अब इसकी डायमेंशन कई बार JEE के एग्ज़ाम में पूछ ली गई है, कई बार नीट के एग्ज़ाम में इसकी डायमेंशन पूछ ली गई है, तो बेटा हमें जाननी है कि इसकी डायमेंशन क्या रहने वाली है। अब इसकी डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो पहले हमें एक तरफ इसे ले जाना पड़ेगा। चलिए, एप्साइलन नॉट को हम इधर लेकर जाते हैं, और हमने लिख दिया डायमेंशन ऑफ एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू, फोर्स को हम अपॉन में लेकर चले गए बेटा, ये बन गया क्यू स्क्वायर एफ आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैंने 4 और पाई को तो यहाँ से हटा दिया, ये जो 4 और पाई आपको दिख रहा है ना बेटा, मैंने इसे हटा दिया यहाँ से। मैंने इसलिए हटाया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसीलिए हमने इसे हटा दिया। हम एप्साइलन नॉट को इधर ले गए, फोर्स को हम अपॉन में ले गए। अब देखो हम डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू, बेटा क्यू का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन होती है मेरे पास में 80, तो मैंने ये कर दिया 80 का होल स्क्वायर। F का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन होती है मेरे पास में MLT-2। फोर्स की जो डायमेंशन मेरे पास में होती है वो होती है MLT-2, तो मैंने फोर्स की जगह लिख दिया है MLT-2। यहाँ है मेरे पास में आर स्क्वायर, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ है मेरे पास में आर स्क्वायर। और आर का मतलब क्या होता है, आर माने रेडियस, रेडियस माने लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन होती है हमारे पास में एल स्क्वायर। लेंथ की जो डायमेंशन होगी हमारे पास में वो होगी एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। डायमेंशन ऑफ एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू, हम यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, हम यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। ओके बेटा, ये बनेगा हमारे पास में MLT-2, और ये बनेगा हमारे पास में एल स्क्वायर। जब थोड़ा सा हम इसे और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यार, क्या है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, m ऊपर पहुंच जाएगा, m बनेगा हमारे पास में m-1। समझ रहे हो बेटा, l और एल स्क्वायर, L^3 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L^-3। ओके बेटा, T^-2 है, ऊपर जाएगा तो T^+2, और यहाँ प्लस टू पहले से मौजूद है, सो T^4 एंड A^2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डायमेंशन है बेटा,
और बहुत बार आप ये समझिए कि बहुत बार JEE और नीट के एग्ज़ाम में पूछ ली गई है। तो अगर आपको फार्मूला पता हो, और ऑब्वियसली आपको पता होगा क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो डेफिनेटली फार्मूले आपके सामने आएंगे और आपको याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि डायमेंशन हम लोगों को निकालनी कैसे है, और वही मैंने आपको निकालनी बेटा यहाँ सिखाई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर आते हैं हम 27 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 क्या है बेटा हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर 27 में हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन को निकालना है बेटा। ठीक है, अब मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता हो तो आप लोगों के लिए चुटकियों का काम है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन को निकालने का। तो पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं, और फिर आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करिए कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके सामने ना फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QVB, ये है आपके सामने फॉर्मूला। अब आप वीडियो को पॉज करिए। F का मतलब है फोर्स, Q का मतलब है चार्ज, V का मतलब है यहाँ वेलोसिटी, और B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करिए और B की डायमेंशन निकाल कर देखिए निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। ओके स्टूडेंट, अब आप अपने आंसर को मैच करिए और देखिए कि आपने जो डायमेंशन निकाली है वो सही है या नहीं है। और जो लोग नहीं निकाल पाए हैं वो ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग करेंगे। हमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को रखा एक तरफ और बाकी दोनों वैल्यूज़ को रखा हमने एक तरफ, मतलब Q और V को हम इसके अपॉन में ले गए। अब हमारे पास में क्या बना, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, बेटा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन है MLT-2, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, MLT-2। उसके बाद देखो बेटा चार्ज की डायमेंशन क्या है हमारे पास में, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ चार्ज की डायमेंशन है AT। वी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1। लो बेटा बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर बनेगा ज़रा देखते हैं। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू M, L से L फिनिश हो गया बेटा, हो गया T से T-1 फिनिश हो गया, L नहीं बचा हमारे पास में, पूरी इक्वेशन में ही L नहीं बचा। अब जो नहीं बचा उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो L^0, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसका मतलब 1 होगा। ठीक है, ओके, A को हम ऊपर लेकर जाएंगे T-2, A को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा A-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ B, और B का नाम है बेटा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया हो, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 28 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 28 में हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है। मैं फिर वही बात कहूँगा, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालना चुटकियों का काम है, अगर फॉर्मूला पता हो तो। तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूँ और आप ट्राई करिए और देखिए कि आप लोग सही निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू Q × E, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ट्राई करिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ बेटा। देखिए हम लोगों को E की डायमेंशन निकालनी है, तो बनेगा हमारे पास में डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ये सिचुएशन बन गई, चार्ज इसके अपॉन में चला गया। अब देखो हम कैसे बनाएंगे कंडीशन। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
बेटा फोर्स को हम लिख सकते हैं एमएलटी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। देखो बच्चों, आप लोगों ने पता नहीं ये बात नोटिस की है या नहीं की है, लेकिन जितनी भी डायमेंशन हम निकाल रहे हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फोर्स का है। फोर्स सबसे ज़्यादा बार यूज होने वाली हमारी डायमेंशन है। और नीचे है हमारे पास में चार्ज, चार्ज की डायमेंशन होती है 80। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम एल टी, ऊपर जाएगा टी माइनस थ्री, ए ऊपर जाएगा ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी रहेगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। होप सो कि आप लोगों का आंसर सही हो। एग्जाम्पल नंबर 29, हमें डायमेंशन निकालनी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की हम लोगों को डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं फिर वही बात कहूँगा, अगर फॉर्मूला पता हो तो आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ, ट्राई करिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बेटा रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है आर एरिया अपॉन लेंथ। ये हमारे पास में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है बेटा, ये है हमारे पास में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब आप देखो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, रेजिस्टेंस की डायमेंशन मैं पहले ही आप लोगों को निकलवा चुका हूँ, एरिया की डायमेंशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेंथ की डायमेंशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे भैया डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ आएगा एरिया और अपॉन में आएगा लेंथ हमारे पास में, ठीक है। चलिए अब पहले हम एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस की डायमेंशन यहाँ लिखते हैं कितनी होगी। अब यार ऐसे तो मुझे भी रेजिस्टेंस की डायमेंशन याद नहीं है, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम अलग से निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन करंट, और ये हो गया हमारे पास में एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस को हमने लिख दिया वोल्टेज अपॉन करंट। अब ये जो वोल्टेज है यहाँ पर वी वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज, यहाँ है करंट, ये है हमारे पास में एरिया, और ये है हमारे पास में लेंथ, ठीक है। अब हम कर पाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने। हालांकि हमें रेजिस्टेंस की डायमेंशन ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन हो सकता है कि हमें उस समय रेजिस्टेंस की डायमेंशन याद ना हो, तो इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस को लिख दिया वी अपॉन आई, और वोल्टेज को लिख दिया वी, माने यहाँ वोल्टेज है बेटा, वेलोसिटी नहीं है। कभी कुछ बच्चे वेलोसिटी समझ लें इसे, वी का मतलब वोल्टेज से है, और वोल्टेज को हमने लिख दिया वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब आप देखो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, बेटा वर्क की डायमेंशन क्या होगी, देखिए आप लोग ध्यान से, वर्क की डायमेंशन क्या होगी। मैंने कल आपको पढ़ाया था वर्क की डायमेंशन होगी एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी की डायमेंशन के बराबर। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी 80, करंट की डायमेंशन क्या होगी ए, एरिया की डायमेंशन क्या होगी एल स्क्वायर, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी एल। लो भैया ये सारी डायमेंशंस मैंने यहाँ रख दी है, एल से ये स्क्वायर फिनिश, ओके। चलिए निकालते हैं रेजिस्टिविटी की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ध्यान से ज़रा देखिएगा एम, ओके, यहाँ है हमारे पास में एल स्क्वायर और ये है एल, तो ये हो गया एल टू दी पावर थ्री, ये टी टू दी पावर माइनस टू, ये टी ऊपर जाएगा तो ये टी टू दी पावर माइनस थ्री, ए इंटू ए ए स्क्वायर ऊपर जाएगा ए टू दी पावर माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रहेगी बेटा हमारी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन, और ये रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। ये सारी चीज़ें वो है जो फॉर्मूले आपके सामने आएंगे और तब आप जाकर इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। करिए नोट डाउन जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि आगे की कंडीशन क्या होगी हमारी।
चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 30। देखो एग्जाम्पल नंबर 30 है हमारे पास में स्ट्रेस। हमें बतानी है स्ट्रेस की डायमेंशन। अब बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस को लेकर ना कंफ्यूज रहते हैं यार, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेस क्या है। अब पहले हम स्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए स्ट्रेस आप लोगों के लिए सिर्फ एक नाम नया है, बाकी चीज़ें वही पुरानी हैं। फॉर्मूला होता है इसका फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना बेटा, बिल्कुल वही फॉर्मूला आप लोगों का स्ट्रेस का होता है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात तो है नहीं कि भाई हम कर नहीं पाएंगे या कोई और समस्या हमारे सामने आएगी, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखो, हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बेटा, चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास में। स्ट्रेस की डायमेंशन हमारे पास में रहेगी, बताइए फोर्स की डायमेंशन क्या है। फोर्स की डायमेंशन है MLT-2। है या नहीं है? बिल्कुल है, फोर्स की डायमेंशन है MLT-2। एरिया की डायमेंशन क्या है? L2। कैंसिल आउट, हमारे पास में आ गया है ML-1 T-2। तो बेटा यह है हमारे पास में स्ट्रेस की डायमेंशन। नाम आप लोगों के लिए नया है, बाकी चीज़ें पुरानी ही हैं और वैसे ही आपको डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 31 बेटा, अगला नाम है आपके सामने स्ट्रेन। हमें बताना है कि स्ट्रेन की डायमेंशन कितनी होगी, स्ट्रेन की डायमेंशन कितनी होगी। अगर मैं आपके सामने स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आप चुटकियों में स्ट्रेन की डायमेंशन बना लेंगे। मैं आपके सामने स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखता हूँ, स्ट्रेन का फॉर्मूला है Δ L/L। अब आप ये देखो, अगर मैं स्ट्रेन की डायमेंशन निकालना चाहता हूँ तो देखो Δ L का मतलब क्या है? स्मॉल लेंथ। अरे है तो लेंथ ही यार, स्मॉल हो या बड़ी हो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। Δ L का मतलब लेंथ से है, स्मॉल लेंथ से है, लेकिन है तो लेंथ ही, और लेंथ की डायमेंशन लेंथ ही होती है यानी L होती है, और नीचे क्या है? L का मतलब भी लेंथ से ही है। तो L से L हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और स्ट्रेन हमारा बन गया है डायमेंशन लेस। स्ट्रेन हमारा बन गया है बेटा डायमेंशन लेस, स्ट्रेन हमारा बन चुका है डायमेंशन लेस। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 32 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 32 पर जो टर्म हमारे सामने आता है उसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमें बताना है कि जो इलास्टिसिटी होगी उसकी डायमेंशन कितनी होगी। पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का ये। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ कि घबराना नहीं फॉर्मूले से कि भाई फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, फॉर्मूले में याद नहीं है, वो सब याद हो जाएंगे तुम लोगों को। सो डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की डायमेंशन क्या है? ये रही भाई स्ट्रेस की डायमेंशन, ML-1 T-2। ये हमारी स्ट्रेस की डायमेंशन है। नीचे क्या है? स्ट्रेन। क्या स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती है? नहीं भाई, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन हमारी इलास्टिसिटी की होगी बिल्कुल वही डायमेंशन हमारी स्ट्रेस की होगी, बिल्कुल वही डायमेंशन हमारी प्रेशर की होगी। प्रेशर बेटा, प्रेशर की डायमेंशन भी वही होगी, और तीनों की डायमेंशन होगी सेम, और वो होगी ML-1 T-2। अब आपको मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ डायमेंशन के बारे में जानकारी हो गई होगी कि किस तरीके से डायमेंशन हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम्पल हो गए हैं हमारे 32। सिर्फ दो तीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बताऊंगा, फिर डायमेंशन ख़त्म और डायमेंशन के एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा,
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 33। ठीक हो, एग्जाम्पल नंबर 33, चाहे तो आप इसे फोर्स कह लीजिए या आप इसे कह लीजिए टेंशन। फोर्स और टेंशन बेटा एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। या आप इसे कह लीजिए वेट, या आप इसे कह लीजिए वेट, ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तीनों नाम एक के ही हैं। फोर्स को हम टेंशन भी बोलते हैं, तो कभी अगर टेंशन के नाम से आ जाए तो घबराना नहीं है। टेंशन और फोर्स एक ही बात है। वेट, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि वेट का मतलब मास से होता है, नहीं भैया, वेट का मतलब फोर्स से होता है, ध्यान रखिएगा। और इन तीनों की जो डायमेंशन हमारे पास में होगी वो होगी सेम, और वो होगी एम एल टी माइनस टू। आप ध्यान रखेंगे इन तीनों की जो डायमेंशन हमारे पास में होगी वो सेम होगी और वो होगी एम एल टी माइनस टू। ये हमारी इन तीनों की डायमेंशन है। अब आते हैं बेटा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 34 पर। एग्जाम्पल नंबर 34 पर हमारे पास में आता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है इनके अंदर। स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं सी से, तो मैं फिर कहूँगा कि इससे भी आपको घबराना नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट, भले ही ये लाइट की स्पीड है लेकिन स्पीड तो है, तो इसीलिए डायमेंशन रहेगी सेम। जो स्पीड की डायमेंशन होती है वही स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होगी, एल टी माइनस वन। अब आते हैं बेटा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 35 पर। एग्जाम्पल नंबर 35 पर हमारे सामने आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। देखो बेटा, भले ही वेव लेंथ हो, वेव लेंथ एक तरीके की ये भी लेंथ ही है, और लेंथ की डायमेंशन ऑलरेडी आप जानते हैं। लेंथ की डायमेंशन आपके पास में होती है एल। लेंथ की जो डायमेंशन है आपके पास में वो होती है एल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 36 में हमारे पास में आता है बेटा लीनियर मोमेंटम। हालांकि लीनियर मोमेंटम मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ एक नया पॉइंट बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो डायमेंशन लीनियर मोमेंटम की होगी वही डायमेंशन इम्पल्स की होगी। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, इन दोनों की डायमेंशन बेटा सेम रहती है, और इन दोनों की डायमेंशन रहती है हमारे पास में ये एम एल टी माइनस वन। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो डायमेंशन लीनियर मोमेंटम की है बिल्कुल वही डायमेंशन हमारी इम्पल्स की है, और वो डायमेंशन है एम एल टी माइनस वन। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई हो आप लोगों को। जल्दी से इन चारों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक दो पॉइंट की और बात करेंगे और डायमेंशन का काम ख़त्म। ओके बच्चों, ये हो गया है लीनियर मोमेंटम, और जो डायमेंशन लीनियर मोमेंटम की है बिल्कुल वही डायमेंशन इम्पल्स की है, और ये रही आपकी इम्पल्स की डायमेंशन। चलिए अभी हम थोड़ा सा पीछे लौट कर आते हैं। अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 36। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 37 पर। और बेटा एग्जाम्पल नंबर 37 है हमारे पास में एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने,
मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू इंटू आर। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी आपको दिख रहा है ना बेटा, इस बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट का मतलब है परमेबिलिटी, इसकी डायमेंशन मुझे निकालनी है, टू तो कॉन्स्टेंट है ही, तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इंटू आर डिवाइडेड बाय आई। लो बेटा ये हो गया हमारे पास में, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये क्या है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ एफ अपॉन क्यू वी। कहाँ से, जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, यहाँ से बी की वैल्यू निकल गई है एफ अपॉन क्यू वी, साथ में है आर और अपॉन में है करंट। ओके बेटा चलिए वैल्यू पुट करते हैं, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू एफ यानी फोर्स, फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, क्यू यानी चार्ज, चार्ज की डायमेंशन है ए टी, वी यानी वेलोसिटी डायमेंशन है एल टी माइनस वन, आर यानी लेंथ, आई यानी एम्पियर। लो बेटा ये सिचुएशन आ गई हमारी, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं यार। टी से टी माइनस वन फिनिश, एल से एल फिनिश, ए और ए ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो हमारे पास में बनेगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है बेटा ये बन गई है डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, और इस म्यू नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है फिर आप दुनिया की कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई भी डायमेंशन, फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है एग्जाम्पल नंबर 38 हमारे पास में है, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, और बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट की डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ध्यान रखिएगा बेटा के का मतलब केल्विन से है और केल्विन को हम टेम्परेचर में दिखाते हैं, ये हमारी बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट की डायमेंशन है, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट की डायमेंशन है। एवोगैड्रो नंबर, ये जो एन नॉट हमारा होता है एवोगैड्रो नंबर, ये होता है पूरी तरीके से डायमेंशन लेस, एवोगैड्रो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो डायमेंशन लेस होता है, ना उसकी कोई यूनिट होती है ना उसकी कोई डायमेंशन होती है, वो पूरी तरीके से डायमेंशन लेस और यूनिट लेस है। ठीक है 39 एग्जाम्पल हो गए हैं, अब जब 39 पर पहुंच ही गए हैं तो एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, सीधा 40 कर देते हैं और फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है लास्ट एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 40 है हमारे पास में फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बाद में है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बाद में है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके बाद में है एमिसिविटी, 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 और इसके बाद में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो पांच टर्म मैंने आपके सामने लिखे हैं बच्चों, जो भी चार टर्म मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये चारों के चारों हैं डायमेंशन लेस। ध्यान रखिएगा ये चारों के चारों डायमेंशन लेस है, और जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है अगर हम उसे चाहें तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t टू दी पावर 0। ध्यान रखिएगा चार क्वांटिटी हैं आपके सामने, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एमिसिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ये चारों के चारों डायमेंशन लेस हैं और चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हो गए पूरे 40, डायमेंशन का आधा काम हो गया फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, लेकिन वो आज से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो मंडे की क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज सैटरडे है, आज आपकी क्लास थोड़ी शॉर्ट रखी जाएगी, क्योंकि मैं बहुत बर्डन, बहुत प्रेशर आपके ऊपर नहीं डालना चाहता हूँ। बहुत आराम से, बहुत स्मूथली हम लोग काम करना चाहते हैं बेटा, ठीक है? तो आराम से आप इन लेक्चर्स को देखें, और देखने के बाद में अपना सभी 40 की 40 डायमेंशंस को अपनी कॉपी में लिख लें, और जो फोर्स है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है, प्रेशर है, इन चार पांच डायमेंशन को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। चार्ज है, इन डायमेंशंस को अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है? कल से यानी मंडे की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन का हम एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं। आज शाम को इवनिंग में आप लोगों की एक लाइव क्लास रहेगी बेटा, जिसमें आप लोग अपने जो भी आप लोगों के थॉट्स हैं या जो भी आपको क्लास के दौरान समस्याएं आ रही हैं वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।